हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास फर्स्ट। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन डियर चिल्ड्रन। आई एम हियर विद द इंग्लिश कोर्स बुक एंड टुडे वी हैव द पेज नंबर 42। पेज नंबर 42। Yesterday there was the page number 41 exercises which has done, okay, already. Now it's time to move to the next page number and next page number with the next word exercise. And now let me tell you, dear students, can you tell me about the chapter's name and number? क्या आपको remember है? Which chapter is running? कौन सा chapter run कर रहा है? Tell me. Yes, chapter 4. कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 4. एंड वॉट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? द चैप्टर्स नेम इज वॉट इज इट। एंड इन दिस चैप्टर वी आर डूइंग द एक्सरसाइजेस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ओके, टुडे वी हैव द एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वर्क। Let's try 7. Okay, so let's start. Rewrite the sentences using a question mark or full stop. As well as study, explain about the use of question mark. कल हम लोगों ने explain किया था ना use of a question mark. तो उसमें क्या करना है? Rewrite the sentences using a question mark or full stop. Means आपको ये sentence rewrite means दोबारा write करना है, again write करना है using a question mark. Means if you have your sentence in question type, देन आप क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क पुट अप करेंगे। एंड इफ़ यू आर हैविंग वेरी सिंपल सेंटेंस, देयर इज नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, तो उसमें आप क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में आपको फुल स्टॉप पिक करना है। ठीक है, फुल स्टॉप पुट करेंगे आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक्सप्लेन किया जा चुका है आपको ऑलरेडी। फर्स्ट, डिड यू गो टू द जू? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, Did you go to the zoo? यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन है ना, देयर इज अ क्वेश्चन दैट समवन इज आस्किंग, क्या आप चिड़ियाघर गए हो? ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है ना, देयर इज आस्किंग अ क्वेश्चन, दैट मीन्स दिस क्वेश्चन नीड अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक है ना, इस सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क क्या होगा? पुटअप होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पे पुट करेंगे। क्लियर, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क पुट किया, ऐसे आप कर लेंगे। नेक्स्ट, आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है, मीन्स इट्स वेरी वर्ड। ये जो सेंटेंस आपका है वो क्या है? सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे? वेरी सिंपली, आई हैव अ पेंसिल एट लास्ट फुल स्टॉप, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा है इसलिए फुल स्टॉप होगा। क्लियर, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे आइए, वेयर आर माई क्लॉथ्स, मीन्स मेरे क्लॉथ्स कहाँ हैं, मेरे कपड़े जो हैं कहाँ हैं। यहाँ पे समवन इज आस्किंग अबाउट समथिंग, समवन इज आस्किंग अबाउट द क्लॉथ, तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन होगा। तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है अभी जस्ट, कि जब भी क्वेश्चन अराइज होता है तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क पुटअप करते हैं, तो देन हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे एट लास्ट, वेयर आर माई क्लॉथ्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वॉट इज योर नेम? What is your name? Students, as you can remember, whenever you meet with somebody or someone, okay, that person or that ones ask about your name, are you village, ठीक है ना, ask करते हैं तो question arise करते हैं, so it's very simply will be also in question mark, यहाँ पर हम question का जो sign होता है उसको यहाँ पर put कर देंगे। Next आपका है, I have a pen in my hand, मेरे पास एक pen है जो कि मेरे हाथ में है, मीन्स यहाँ पे कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा है, समवन इज टेलिंग अबाउट समथिंग, दैट मीन्स इट्स योर सिंपल सेंटेंस, सो पुट हियर वॉट? फुल स्टॉप। क्या पुट करेंगे? फुल स्टॉप। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। आप लोग अपने बुक में इसको अच्छे से क्लियरली कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर, ओके, नाउ मूव, थिंक एंड शेयर। नेक्स्ट एक्सरसाइज अबाउट योर थिंक एंड शेयर। नाउ लेट्स सी, लुक एट दिस पिक्चर्स एंड रीड द क्वेश्चंस एंड आंसर्स, इट विल Tell you what? It will teach you how to ask and answer question. Look at the picture. आपको क्या करना है? You have to see this picture.
इन सारे पिक्चर्स को देखना है, रीड द क्वेश्चन एंड देन आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन जो आपके हैं साइडेड में उसको रीड करना है. इट विल टीच यू, देन ये आपको बताएगा, इट विल टेल यू हाउ टू आस्क क्वेश्चन, मीन्स कैसे अगर हमें किसी से क्वेश्चन आस्क करना है, सो वॉट इज द गुड वे टू आस्क अ क्वेश्चन एंड देन वॉट शुड यू डू रिप्लाई, और आपको रिप्लाई क्या करना चाहिए, उस क्वेश्चन का आंसर क्या देना चाहिए. वी विल लर्न टू दिस बाय दिस पिक्चर्स. ठीक है, इन पिक्चर्स एंड विद दिस सेंटेंसेज आज हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे. स्टार्ट. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग पिक्चर. फर्स्ट पिक्चर आपका क्या है, देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ गर्ल एंड जस्ट हियर इज अ व्हाट, कैट, एंड आफ्टर दैट देयर इज अ बॉय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस गर्ल इज आस्किंग अ क्वेश्चन, एंड क्या आस्क कर रही है, दिस गर्ल इज आस्किंग अ क्वेश्चन फॉर और अबाउट दिस कैट, इस कैट के बारे में वो क्वेश्चन आइज कर रही है. देखिए क्या कर रही है, इज इट अ कैट, दिस गर्ल इज आस्किंग टू दिस बॉय, इज इट अ कैट, क्या यह एक बिल्ली है. देन स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड, आप देख सकते हैं, आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, वॉट टाइप ऑफ एनिमल इज हियर, ये कौन सी एनिमल है, कैट है ना. सो इफ देयर इज अ कैट देन दैट बॉय सेड, बॉय ने क्या रिप्लाई किया, यस इट इज, क्या रिप्लाई होगा, यस इट इज, हाँ यह क्या है, एक कैट है, एक बिल्ली है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं, विच इज ऑन पेज नंबर 43. यहाँ देखिए पेज नंबर 43, सब लोग ओपन कर लीजिए, डे चिल्ड्रेन ओपन इट. ओके, नाउ आई होप ऑल हैव ओपन. चलिए स्टार्ट करते हैं सम मोर वर्क. डियर स्टूडेंट्स यू हैव सम मोर, देखिए यहाँ पे सम मोर आपके एग्जाम्पल्स हैं. इज इट अ प्लेन एंड there's a girl and again there's a boy and in middle one thing picture is there. ठीक है ना, अब यहाँ पे जो girl है वो ask कर रही है to the boy, is it a plane, क्या यह एक plane है. girl जो है इस picture के बारे में ask कर रही है, क्या यह एक plane है. so students tell me, क्या ये plane है, no it's a kite ना, it is a kite, तो wrong है, this girl is asking about wrong things. तो देखिए पहले answer, boy ने answer क्या दिया, No, it is not. नहीं ये प्लेन नहीं है. And a correct answer is that it is a kite. क्या आंसर होगा, It is a kite. Means यह एक पतंग है. Boy ने क्या रिप्लाई किया, यह एक पतंग है. ठीक है, अब आइए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. Again you have the same girl and same boy and the next, the picture is different. One more picture you have. ठीक है, चलिए देखते हैं. नाउ अगेन दिस गर्ल इज आस्किंग अबाउट दिस थिंग, अगेन सी इज आस्किंग दैट इज इट अ पॉन्ड. गर्ल जो है जब वो देखती है इस पिक्चर को तो बॉय से आस्क करती है, क्या यह एक तालाब है. सो स्टूडेंट्स टेल मी, इज इट लुकिंग लाइक अ पॉन्ड, क्या ये पॉन्ड की तरह दिख रहा है. नो, यहाँ देखिए बॉय ने रिप्लाई किया, नो इट इज नॉट, नहीं ये पॉन्ड नहीं है, तालाब नहीं है, क्या है ये, देयर इज अ पिक्चर ऑफ रिवर एंड देन द बॉय रिप्लाइड दैट इट इज अ रिवर, ये क्या है, पॉन्ड नहीं है, इवन इट इज अ रिवर, यह एक नदी है. क्लियर, नाउ यू ऑल अंडरस्टूड दैट हाउ टू आस्क क्वेश्चन एंड देन हाउ टू गिव आंसर. आप सब लोग अच्छे समझ गए हैं. चलिए अब हम लोग एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं, जो कि आपका है Think and write. And you have one more topic, that writing yes and no answers. Writing yes and no answer means जो हम answer देते हैं उसमें only with the help of yes or no की help से भी हम अपने answers को दे सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए चलिए हम देखते हैं page number 43 पे जो आपकी exercise हैं. Look at the pictures and read the questions and their answer. Again we have some picture. यहाँ देखिए फिर से हमारे पास कुछ picture हैं and above to this picture कुछ sentences हैं. Here also sentence and again there are two what children and they are also asking about some question. ये लोग भी कुछ questions को ask कर रहे हैं. ठीक है,
क्या करना है, वी हैव टू सी दिस पिक्चर, पिक्चर्स को देखना है एंड रीड द क्वेश्चन, और इन सारे क्वेश्चंस को रीड करना है एंड उनके आंसर्स को भी रीड करना है. तो चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ बॉय, ओके, एंड देयर इज अ गर्ल. नाउ व्हाट इज देयर, बॉय जो है देखिए उनके आईज पे क्या है, एक एक क्लॉथ जो है वो बाइंडिंग की गई है, एक जो पट्टी होती है ना उसको बाइंड किया गया है. एंड देन देयर इज अ थिंग, देयर इज अ थिंग, दिस थिंग इज दिस, क्या है, पेंसिल है ना, पेंसिल की थिंग्स है. चलिए यहाँ देखते हैं, देन दिस गर्ल इज आस्किंग टू दिस बॉय, इज दिस अ नेल, क्या यह एक नेल है, ठीक है. देन द गर्ल, ओके स्टूडेंट, ये जो गर्ल है इन्होंने क्या किया, इस बॉय के आईज पे क्या किया, एक क्लॉथ को बाइंड कर दिया है. एंड देन सी इज आस्किंग क्वेश्चन, एंड देन वो क्वेश्चन आस्क कर रही है बॉय से, दैट इज दिस अ नेल, क्या ये एक नेल है, ठीक है. देन दैट बॉय रिप्लाइज, कौन रिप्लाई करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी आपका एरो बना हुआ है, ठीक है. ये जो एरो आपका है, इज दिस अ नेल, मीन्स ये जो बॉय है वो आस्क कर रहे हैं इज दिस अ नेल. गर्ल्स क्या रिप्लाई करती हैं, नो इट इज नॉट, इट इज अ पेंसिल, ओके. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट देर आर टू बॉयज, सेम बॉयज एंड गर्ल, वो क्या पूछ रहे हैं, ये जो गर्ल है वो पूछ रही है इज दिस एन एप्पल, देन दैट बॉय रिप्लाइज यस इट इज एन एप्पल, ठीक है. तो ये आपका आंसर क्वेश्चन, दैट इन दिस एक्सरसाइज वी हैव लर्न दैट हाउ टू आस्क द क्वेश्चंस एंड देन हाउ टू गिव द आंसर्स. इफ समवन आस्क यू क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस मीन्स अबाउट येस या नो, तो हमें कैसे उसका रिस्पॉन्स देना चाहिए इन येस या नो में, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी हैव रीड अबाउट द पेज नंबर 42 एंड 43, एंड यू हैव टू वॉट, यू हैव टू ट्राई टू कम्प्लीट द एक्सरसाइजेस ऑफ पेज नंबर 44. आपको पेज नंबर 44 के एक्सरसाइजेस को अच्छे से अपने कहाँ कर लेंगे, अपने बुक में ट्राई करेंगे, कम्प्लीट करेंगे, क्लियर, ओके. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड दीज टॉपिक्स अगेन एट होम. आप लोग सब लोग घर पे इसको अच्छे से रीड करेंगे, टॉपिक्स को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन नेक्स्ट एक्सरसाइजेस को आप लोग ट्राई करेंगे कि आप लोग कंप्लीट कर सकें, क्लियर, ओके. नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे.